इतिहास खुद में कई किस्से कहानियां समेट बैठा है और हर कहानी अपना इतिहास। अभी हम मेन गेट छोड़ के पार्क में एंट्री कर चुके हैं। मेन गेट में फिर एंट्री थी, हम पहले पार्क में आया फिर हम अंदर जाएंगे। और यहाँ तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरे से बनाया, पता नहीं क्या है मेरे को, सारे बहुत सारे और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं किस काम के लिए बनाई थी हमारे को, तो पता नहीं। ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, पता नहीं किस सीढ़ियाँ थी। तो यहाँ से आगे का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से इधर ले आ गया कैमरा लेकर, यहाँ से जाने का रास्ता, हमको जाने का रास्ता भी इन्होंने बंद कर रखा है, ताला मार रखा है। ये क्या है कि टिकट की वजह से लोग बिना टिकट के यहाँ पर एंट्री कर लेते थे और फिर अंदर जाके, खैर मैं बोल नहीं सकता, छोड़ो, कोई शराब पीते थे, कोई पता नहीं क्या क्या करते थे लोग, अपनी मनमर्जी का करते थे, तो इसलिए बंद कर दिया। यहाँ पर अलग अलग तरह के कमरे से बने हैं सबको, पूछ लेकिन ये अलग अलग तरह के कमरे बने हैं, कमरे से डिज़ाइन हुआ है, वैसे वैसे ये भी बंद। और मैं दोबारा वैसे ही कमरा दिखा के देखा, दोबारा वैसे ही कमरा, ऐसे कमरे ही सब जगह पर बने हुए हैं। और ये दो सीढ़ियाँ बनी हैं शायद यहाँ पर, हमने सामने बैठ के बात करने के लिए बनाई हुई है। आज अंदर आके देखते हैं क्या है यहाँ पर, शायद रोशनी के लिए वगैरह या कुछ भी रखने के लिए ये जगह बनाई गई होंगी, ये जो बने हुए हैं। ये कैसे बन, झील लगे, झील नहीं, ये ऊपर का रास्ता है भी है ना, ये भी ऊपर जाने का रास्ता है, झील को ये रास्ता खुला हुआ है, वैसे एंट्री कर सकते हैं यहाँ से। नहीं नट लग रहा है भाई, नट लगा रखा है यहाँ पे, बंद है सारे रास्ते, बंद ऊपर जाने का रास्ता ये यहाँ से, ये कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे सामान रखा गया, क्या करेंगे। तो ये अलग शाला खुला हुआ है, इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। और देखो जैसा कि आपको सीमांत ने बताया, बियर की बोतलें भी रखी है यहाँ पे, बियर की, सिगरेट की डब्बिया, इसलिए लोग बंद कर रखा है इन्होंने इनको। ये कमरा बनाया हुआ है स्पेशल है ना, ये भी कमरे में ये इन्होंने किराए पे दे दिया गया कमरा। अच्छा, लोग रह रहे हैं इस कमरे में, किराए पे रह रहे हैं, यहाँ से दूर तक देख पा रहे हैं, सभी ऐसे ही लाइन वाइज कमरे बने हुए हैं। आप प्लीज एक काम कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दीजिए कैमरे में। हाय कर दो, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, थैंक यू। चलो आइए देखते हैं आगे, ये देखिए यहाँ पे फिर से ये सब बार बार एक ही बात कही जा रहा है कि ये जेल थी, ये जेल थी, और इनके अंदर लकड़ों को कंडाम कर रखा है। इसमें और इसमें देखिए कितना फर्क है, अरे फिर वो बहुत पुराना और पहले की चीजों में अरे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे पुरानी ईटों में फुल दमोया करता था पहले, इसे पूछ लेंगे एक बार की अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं है। अभी हम टिकट लेंगे फिर अंदर जाएंगे। ये उर्दू भाषा में क्या लिखा है, करनाल का दीपक कल्लाल। ये देख लीजिए इसकी ब्यूटी, जो उस टाइम पे खुदाई में मिली थी, उस टाइम की चीजें, भगवान की मूर्ति होगी कोई, देख ठीक है, इजिप्ट में होते हैं जैसे ऐसे बंदे, मेरे को ताबूतों ताबूतों में रखते हैं कैप्चर कर। नहीं ये तो दो का भी ले रहा है यार, ये कोई भगवान की स्ट्रक्चर है, ये उसी टाइम के चम्मच है, उसी टाइम की है ना,
खुदाई में निकला हुआ है, खुदाई कर रहे हैं। ओ तलवार है, शॉट है। अच्छा भाई यहाँ पर ना एक बरात गई थी, ये नहीं है वो कब गुफा के अंदर बरात गई थी, बरात गई थी वापसी नहीं आई। वो जगह नहीं है, पता नहीं कौन कौन था, क्या कहता है ये वो जगह नहीं है। उससे पहले हम हर्षवर्धन टीले पे जाएंगे, इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे कमरा सा बना हुआ है अंदर, कवर अंदर कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं लिखा। चल चलते हैं, ये दूर तक जो सिटी देख रहे हैं कुछ इतना सिटी है। हम लोग भाई को थोड़ी फोटोज क्लिक करके देने वाले हैं, और कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में, इस जगह का नाम क्या है? वैसे उठेगा नहीं इधर पे, क्या नाम है इसकी जगह का? ये हर्षवर्धन का टिल्ला है, हर्षवर्धन के टिल्ले पे आए थे।